विधानसभा शीतकालीन सत्र के छठे दिन हमीरपुर लोकसभा सीट के सांसद अनुराग ठाकुर तपोवन परिसर पहुंचे। अनुराग ठाकुर ने राफेल डील को लेकर कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी झूठ बोलने और झूठ की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी झूठ की राजनीति कर रही है। कांग्रेस प्रदेश से लेकर देश में कांग्रेस का नेतृत्व झूठ झूठ और केवल झूठ बोलता है। जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने देश को भ्रमित करने का प्रयास किया, झूठे आरोप लगाए, अब औंधे मुंह गिरे हैं, ये एक ऐसा तमाचा कांग्रेस के मुंह पर है जो कांग्रेस सारी उम्र याद रखे। जो चार लोग पटिशन डालने सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनकी पटिशन पर ऐसा करारा जवाब मिला है कि चारों खाने चित वो हो गए। झूठे बेबुनियाद आरोप लगाकर ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करने का प्रयास किया गया। मैं धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, जिसने स्पष्ट तौर पर कहा है कि चाहे प्रोसीजर्स की बात हो, प्राइसिंग की बात हो या ऑफसेट क्लॉज की बात हो, कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को कोई फेवर नहीं की गई। ये अपने आप में दिखाता है कि सभी तर्क कांग्रेस के विफल हो गए, झूठे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी कहा कि केवल किसी कल्पना की आधार पर किसी को दोषी नहीं पाया जा सकता। सभी कागजात देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है, अब समय आया है राहुल गांधी जी को देश से माफ़ी मांगने का और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मांगने का। पर कहने से कोई चोर नहीं हो जाता, बल्कि जिनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार होता रहा, लाखों करोड़ देश का उजड़ गया, उनको उत्तर देना पड़ेगा। जो आज FIR पर बाहर हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और UPA की चेयरपर्सन पूर्व में रही सोनिया गांधी जी भी। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की धर्मशाला रैली को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में प्रदेश को दो बड़ी सौगातें देंगे। प्रधानमंत्री जी के दौरा हिमाचल वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। हमारे लिए बड़े इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIM, इन सबको देकर जाएंगे। अगर कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में कामकाज किया होता तो आज उद्घाटन का समय आ गया होता, ना कि शिलान्यास का आया होता। कांग्रेस ने विकास पर ब्रेक लगा कर रखी, प्रदेश के विकास की रफ्तार को रोक कर रखा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर 5 साल तक जो NOC 5 साल पहले मिलना चाहिए तो 5 साल में नहीं दे पाए, काम शुरू नहीं करवा पाए। हमने प्रयास किया, मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय जयराम ठाकुर जी का कि प्रदेश की सरकार आने के बाद हमारे कहने पर इन्होंने पैसे भी जमा करवाए, 5 करोड़ रुपये जमा करवाया, और केंद्र की मोदी सरकार का जिन्होंने NOC दिए हैं। काश ये 5 वर्ष पहले पूर्व कांग्रेस की सरकार ने किया होता तो देहरा में बड़ा और भव्य विश्वविद्यालय आज तक बनकर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हुई होती और धर्मशाला में भी अब तक भवन बनकर तैयार हो गया। सदन के अंदर उठे रेलवे के सवाल को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 70 साल से कांग्रेस पार्टी खुद रेलवे के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश की रेलवे लाइन को मंजूरी दी हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने तो 70 साल में काम नहीं भ्रष्टाचार का काम किया। इनको देखना पड़ेगा कि 70 वर्ष में कोई आज तक ऊना हमीरपुर की रेलवे लाइन को मंजूर नहीं करवा पाया। हमने मंजूर भी करवाया, बेसिक सर्वे भी करवाया, फाइनल लोकेशन सर्वे भी कराया, करोड़ों रुपए खर्च करके अब ये तय करवा दिया कि रेलवे लाइन कहाँ से बनेगी। और ये 51 किलोमीटर की रेलवे लाइन पर 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे, जिसको स्वीकृति मोदी सरकार ने दी है। ये पहली बार हिमाचल के इतिहास में हुआ कि 5 वर्ष में सर्वे भी पूरा हो गया, लाइन भी मंजूर हो गई और उसका शिलान्यास भी जल्द हो जाएगा।
हमने भनुपली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम भी शुरू करवाया। जयराम ठाकुर जी की सरकार ने आकर उसके लिए पैसा दिया। अगर वीरभद्र जी ने पिछले 3 सालों में पैसा दिया होता तो बिलासपुर का काम कब का शुरू हो गया होता। उन्होंने पैसा रोक कर रखा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का, चाहे वो एम्स की जमीन थी, चाहे वो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का हस्ताक्षर करने की बात थी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जमीन देने की बात थी। इसके लिए दोषी कोई है तो केवल कांग्रेस, कांग्रेस और कांग्रेस है जो राजनीति करती रही। जनरलाइजेशन पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह प्रयास पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया था। उन्होंने कहा कि धूमल के प्रयासों से ऊना की हजारों मील जमीन सिंचाई योग्य बनी है। स्वांच एनालाइजेशन प्रेम कुमार धूमल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। सांसद होते समय उन्होंने कहा था कि स्वांच एनालाइजेशन होगी तो हजारों एकड़ जमीन सिंचाई योग्य होगी, किसान का नुकसान बचेगा और पैदावार भी ज़्यादा होगी। हम धन्यवादी हैं धूमल जी के जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए स्वांच एनालाइजेशन के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। ऊना में हजारों बीघा जमीन जो सिंचाई योग्य बनाई उनके कार्यकाल में, फेज़ वन हो, फेज़ टू, फेज़ थ्री की शुरुआत की बात हो। कांग्रेस आई तो उन्होंने ये किया, जो केंद्र से पैसा आया उसको भी काट के रख लेते थे। और लगातार अगर पैसा दिलाया है तो पहले उमा भारती जी से, फिर नितिन गडकरी जी से मैंने स्वयं बात करके दिलाया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और अब के नेता प्रतिपक्ष, कोई एक मीटिंग बताएं कितनी बार जाकर उन्होंने प्रयास किया। ये प्रयास केवल हमारी ओर से हुए हैं और हम सीना ठोक कर कहते हैं स्वांच एनालाइजेशन भारतीय जनता पार्टी की देन है और आगे भी इसके जितने भी चरण होंगे पूरा काम भारतीय जनता पार्टी ही करवाएगी। देखिए, कांग्रेस आरोप लगाती रही बेबुनियाद, और इन बेबुनियाद आरोपों का कोई सिर पैर नहीं होता। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना झूठ बोलता हो उस पार्टी के स्थानीय नेताओं का क्या होगा, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। जिस पार्टी का आधार ही झूठ है वो इससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकते। ये केवल झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं और ये सारी उम्र यही करेंगे, विकास इनको आता है। 3 राज्यों पर हुई भाजपा की हार को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आंकलन सबको करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को छोड़कर हर जगह भाजपा का वोट प्रतिशत बड़ा है। 3 राज्य के चुनावों का आंकलन सबको करना चाहिए। राजस्थान में 0.5% पे कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वोट ज़्यादा है। कुल मिलाकर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट मिले, छत्तीसगढ़ को छोड़ दीजिए ओवरऑल। कांग्रेस की मिजोरम में सरकार थी वो चले गई, कांग्रेस तेलंगाना में महागठबंधन की बात करती थी, क्या हाशिए पर कांग्रेस आ गई है। ये सही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का। मैं वही कहता हूँ, कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। जब कोई और तरीका ना मिले, कोई और उत्तर ना मिले, कोई और बचाव के लिए कोई विषय ना मिले, तो कभी EVM तो कभी मोदी को जिम्मेदार ठहराते। तपोवन से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।